जिन पर लखीमपुर खीरी के ब्लॉक क्षेत्र बिजुआ में एब्सा ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक बैठक की गई, जिसमें चीफ कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश अनुराग एम सारथी के नेतृत्व में ब्लॉक बिजुआ क्षेत्र के तमाम पत्रकारों को एब्सा परिवार से जोड़ते हुए संगठन का विस्तार किया गया। इस मौके पर अनुराग सारथी ने वार्ता के दौरान पत्रकारों के हितों के लिए संघर्षरत एब्सा संगठन के विषय में बताया, साथ ही पत्रकारों की एकजुटता पर बल देते हुए संगठन विस्तार पर व्यापक विचार विमर्श किया। अनुराग सारथी ने बताया, पूरे जिले में वृहद रूप से संगठन का विस्तार करते हुए आगामी 26 मार्च को जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित कर जिला कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। लखीमपुर खीरी से कौशल शर्मा के साथ जिला ब्यूरो चीफ पवन सक्सेना की रिपोर्ट। आज आपका बुधवार आना हुआ, तो क्या कार्यक्रम था और क्या योजना है आगे? देखो भाई, एब्सा ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी के निर्देशानुसार हम लोग पूरे प्रदेश में पत्रकारों के हित में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसको लेकर के आज हम लखीमपुर के जनपद के आज हम बिजुआ आए थे। बिजुआ आने का केवल एक उद्देश्य था कि हम लोग एब्सा ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन को इतना सशक्त करना चाहते हैं, इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं कि हमारे पत्रकार को छेड़ने से पहले कोई भी व्यक्ति उसको 11,000 लाइन का नंगा तार समझे, लाइट हो ना हो छूने से घबराए, क्योंकि हमारा जो पत्रकार है समाज का, देश का चौथा स्तंभ है, और उसका जब शोषण होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। आज बिजुआ कमेटी, बिजुआ के सारे पत्रकारों ने एब्सा के साथ जुड़ने का काम किया है। 26 मार्च को हम लोग जिले में एक बड़ा प्रोग्राम करके कमेटी का गठन, पदाधिकारियों का चयन कर रहे हैं जिले में। 24 अप्रैल को जिले में शपथ समारोह का कार्यक्रम है एब्सा का, जिसमें एब्सा के चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी के अध्यक्षता में वो कार्यक्रम संपन्न होना है। प्रदेश और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से हम लोग निवेदन कर रहे हैं, वरिष्ठ मंत्रियों से, कि वो लोग भी हमारे पत्रकारों के शपथ समारोह में उपस्थित रहे। आज बिजुआ में आने का सिर्फ इतना ही कारण था कि कमेटी का विस्तार हो और 26 तारीख और 24 तारीख की तैयारी को किस तरीके से सफल बनाया जाए। हमारे साथ जिले के महामंत्री श्रीमान संदीप भाई शुक्ला जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान डीपी आर्य जी के साथ, शर्मा जी के साथ हम लोग यहाँ पर आए और अच्छी संख्या में हमें बिजुआ से समर्थन मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।